आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पिछले माह तक महंगी चल रही सब्जियों के भाव में अब गिरावट आ गई है। अब आलू से लेकर सभी सब्जियां बाजार में 15 से 20 रुपए किलो तक बिक रही हैं। सभी सब्जी सस्ती होने की वजह से सभी ने राहत की सांस ली है। मैं इस वक्त मंडी में हूं और लॉकडाउन के बाद सब्जी काफ़ी महंगी हो गई थी, लेकिन इस समय सब्जी का सीजन है तो जो टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा था, आज उसके क्या भाव हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या भाव है टमाटर इस समय, ये देख रहे हैं आप टमाटर, ये देसी टमाटर है, अपने आगरा का है ये, और क्या रेट इस समय बिक रहा है ये हम पूछते हैं जो यहाँ पर दुकानदार हैं। क्यों टमाटर क्या रेट बिक रहा है इस समय? 20 रुपये। पहले कितना भाव था इसका? पहले 30। कितने दिन से 20 हुआ? 3-4 दिन हो गए आज। 5-6 दिन हो गए आज। नोकल टमाटर अपने का, शमसाबाद का। तो आगरा का ये टमाटर है, 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर ये। और यहाँ पर गोभी का रेट क्या है? गोभी, पत्ता गोभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ बंद गोभी भी है। गोभी किसकी है ये? गोभी के रेट पूछते हैं क्या रेट चल रहा है इसमें। गोभी और मटर, मटर और गोभी दोनों है, क्या रेट बिक रहा है इसमें गोभी और मटर? मटर 30 है और गोभी 10 है। तो मटर 30 और गोभी 10 और 20 के रेट में बिक रहा है। सबसे बड़ा सवाल था आलू के ऊपर। आलू चूँकि 45 रुपये किलो आलू बिक रहा था, और ये नया आलू है, ये नया आलू है आप देख रहे हैं, और ये नया आलू जैसे पुराना आलू था, चिप्सोना था, और हल्द्वानी जिसे कहते थे, जो आगरा का आलू था, हल्द्वानी पहाड़ी कह के बेचते थे, वही 50 रुपये किलो बिक रहा था। ये कहाँ का आलू है? ये लोकल आलू है ये। हाँ, ये इस समय क्या रेट बिक रहा है? ये 40 का 3 किलो, 15 रुपये किलो इस बार रेट बिक रहा है। कल परसों बिका था 20 का 2 किलो, रेट डाउन है, आज महंगा आया तो थोड़ा। तो क्या पंजाब का आलू भी आ गया? पंजाब का आ गया, वो तो 40-35 रुपये किलो बिका था। अब क्या रेट है उसका? वो आ ही नहीं रहा है, अब वो आ नहीं रहा है, पंजाब का नहीं आ रहा है आलू। तो ये आगरा का आलू है, और आसपास यूपी का जो हम कह रहे थे दिवाली के बाद आलू सस्ता हो जाएगा, 15-20 रुपये किलो हो जाएगा। अब जो बड़ा सवाल है वो प्याज के ऊपर है। प्याज क्या रेट बिक रहा है? प्याज, ये प्याज देख रहे हैं, ये नई प्याज है ये कहाँ की है? हम दुकानदार से पूछेंगे ये प्याज है कहाँ की। लाल प्याज है बिल्कुल, लेकिन इसमें छिलके आगे आइए। और ये प्याज अभी पूछते हैं क्या रेट है। आप प्याज क्या भाव बिक रहा है? 30 रुपये किलो बिक रहा है। 30? 30 रुपये किलो। हाँ, 5-6 दिन हो गए आज। प्याज नया पुराना है? नया है, नया प्याज है। पुराना वाला प्याज कहाँ गया? पुराना भी आ रहा है। हाँ, पुराना आ रहा है, वो बजरा खुल्ला दे रहा है वो। ये कहाँ का प्याज है? ये नासिक वाला है, नासिक का। नासिक का, जैसे कि पहले नासिक से भी प्याज नहीं आ रही थी और कहीं से प्याज नहीं आ रही थी, तो प्याज का रेट जो है उस समय 70 और 60 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अब नासिक की प्याज आ गई है, चूँकि नई प्याज है अभी, इसमें ज़्यादा अंदर प्याज नहीं होती, छिलके ज़्यादा निकलते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये आलू भी आप देख सकते हैं आगरा का, जो अब इस समय, हालाँकि इनकी एक खासियत है कि आलू की मिट्टी नहीं साफ़ करते, क्योंकि इसमें वजन होता है थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा बेचते हैं आलू, ऐसे ज़्यादा आलू बिक जाए और ज़्यादा मतलब पैसे मिले, लेकिन धो के बेचना चाहिए। हालांकि इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आता है मार्केट से भी, ऐसे आता है तौल के भी, इस वजह से इन लोगों को बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आज हम सब्जी के भाव की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक सब्जी का भाव लगभग जो है 20 रुपये से 25 रुपये किलो सभी का है, चाहे वो शिमला मिर्च हो। शिमला मिर्च भी जो 80 और 100-150 रुपये किलो बिकती थी, आज उसका रेट 20 से 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज भी सस्ती हो गई है, टमाटर आलू का भाव भी सस्ता हो गया है। अब सब्जी अपने पूरी तरह से जिस तरह से सस्ती होनी चाहिए था उसी तरह से सब्जी का रेट आ चुका है, क्योंकि दिवाली के बाद ये घोषणा हुई थी, ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आलू अगर यूपी का आ जाएगा, राजस्थान पंजाब का आ जाएगा, तो आलू भी सस्ता हो जाएगा। नासिक से प्याज आएगी, वो भी सस्ती हो जाएगी। प्याज, टमाटर, आलू और मटर, गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी बिल्कुल एकदम सस्ते हैं, 20 से 25 रुपये किलो बिक रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप प्रसाद विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।